24/7. में एक 363-366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सनम चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोक नगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को मियां है, मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से कल 8 बजे किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले मेरी लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने अपने बच्चे को हमारे दिए तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया खुद अपने हाथों से। और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। और आज 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ, 21 साल। किस जगह लगाई है? किस जगह? नदरी गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। जो आपके बेटे ने जो संदीप से मौत हुई थी जिला अस्पताल के हवालात में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और जो आपने एक बयान जारी किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो मेरा नाम चांदनिया है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, कागज में क्या लिखा है क्या नहीं। मुझसे सहन करने के लिए सीओ साहब ने कहा, मैंने सहन कर दिया। बच्चा मैंने सही सलामत जो पुलिस वालों को दिया था, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ। जो आपके बेटे की हत्या है या आत्महत्या? हत्या करी गई है उसकी, वो खुदकुशी नहीं करता। अल्लाह, किस आरोप में ले गए थे उठा के? वो लड़की के मैटर में, मेरा लड़का काम करके आया था, रोटी खाने बैठा तो ऐसी उठा ले गए कि लड़की कहाँ है, शक में ले गए और हमें मिलने नहीं दिया। जब हमारा लड़का चीनगढ़ में पहुंचा दिया तब खबर करिए, सो भी हमारे मोहल्ले के दान पुराना है उसने, तब हम सब पूरा मोहल्ला भागते गए, तो अभी नहीं दिखाया। पोस्टमार्टम से पहले दिखाते हैं, दिखाते नहीं दिखाते हैं, कहीं निशान है कुछ है पता तो चले, नहीं दिखाया पोस्टमार्टम से पहले किसी को ही नहीं। क्या बड़ा बेटा था आपके घर में और कमाने वाला कौन कौन है? भैया मेरा एक ही भाई बड़ा बेटा सहारा, हाँ बस भैया। क्या काम करता था? टाल पत्थर का,
जो जो तुम्हारे पति का कहना है कि मेरे बेटे ने खुद खुदकुशी आत्महत्या की है, नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जिस तरह से वो कह रहा है, क्या उनको कोई दबाव बनाया गया? कैसे किसका दबाव है? अब मुझे ना पता, मेरा आदमी कहीं पे हत्या या आत्महत्या? हत्या तुम करके देखो। चलो मेरा गलत आदमी, मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा गया है, सुत गया है, लड़की का बाप चलाया था। घर से कौन उठा के ले गया था? पुलिस वाले, लड़की का बाप।